नमस्कार फ्रेंड्स, मैं सागर पवार आपका इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। तो हम आज देखने वाले हैं बिना मेहनत के कोई फल नहीं मिलता। तो इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाएं और हम चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। तो बिना मेहनत के कोई फल नहीं मिलता। एक बुद्धिमान किसान था, उसका उसकी मेहनत पर बहुत विश्वास था। मेहनत करके उसने अपना खेत बहुत समृद्ध हरा भरा किया था। उसके हरे भरे समृद्ध खेत के बारे में उस राज्य के राजा को पता चलता है। तो राजा उस किसान को दरबार में बुलाता है और राज दरबार में ज्योतिष को उस किसान की हाथ की भाग्य रेखा देखने के लिए कहता है। तो किसान उसका उस ज्योतिष को अपना हाथ उल्टा करके दिखाता है। तो उल्टा करके दिखाता है तो वो ज्योतिष उस पर गुस्सा होता है। वो बोलता है कि उल्टे हाथ पे कभी रेखाएं दिखती नहीं है, सीधा हाथ पे रेखाएं देखते हैं। तो तुम सीधा हाथ दे दो, तुम्हें इतना भी नहीं समझता, कैसे मूर्ख किसान हो तुम। तो किसान उसको बोलता है कि आप मेरे हाथ के रेखा के देखेंगे, मेरी मेहनत की वजह से, काम की वजह से सारी रेखा ही मिट गई है। जो दूसरों के सामने हाथ फैलाता है, भीख मांगता है, उसकी लाचार होता है, उसकी रेखाएं दिखती है। मैं तो मेहनत करता हूँ, उसकी वजह से मेरे हाथ में कोई भी रेखा आपको दिखेगी नहीं, वो पूरी मिट गई है। और भाग्य की बात करते हो तो भाग्य उसका भी होता है जिसके हाथ नहीं होते, और इसलिए मैं मेरे हाथ की रेखा पर विश्वास नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ अपनी मेहनत पे विश्वास करता हूँ। तो हमें यहाँ पे ये सीखने को मिलता है कि बिना मेहनत किए कोई फल नहीं मिलता। आप जिस भी फील्ड में हो, वहाँ पे मेहनत करो, तभी आप मंजिल तक पहुँच सकते हैं। और किसी के भी भरोसे मत बैठो, क्योंकि आपको कोई मदद करने वाला नहीं है, खुद का काम खुद ही करना पड़ेगा। वो एक डायलॉग है नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कि भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान तुम्हारे भरोसे बैठा हो। आप सोचते बैठोगे कि भगवान मुझे देगा, भगवान एक दिन आएगा और मुझे देगा, तो ये नहीं होता है। भगवान भी आपको देना चाहता है, पर वो देख रहा है कि आप कुछ करते क्यों नहीं है। जब आप कुछ करेंगे तभी वो आपको देगा। इसलिए भगवान आपके भरोसे बैठा है कि आप कुछ करेंगे तभी ही भगवान आपको देने वाला है। इसलिए चुपचाप मत बैठो, किसी की मदद के लिए रुको मत, अपने काम आप ही करो। तो जिस दिन आप अपनी मेहनत करोगे तो आपको अपनी सक्सेस मिलेगी, आप उस अपने टारगेट तक पहुंच जाएंगे। इसलिए किसी के भरोसे मत बैठो, आपका टारगेट आपका आप ही डिसाइड करो, और उसके ऊपर चलने के लिए रास्ता एक बार बना दिया तो उसके ऊपर उस रास्ते पे चलना तो आपको ही पड़ेगा। सपने आपके हैं, ड्रीम आपके हैं, आपके ही टारगेट है, आपको वो हासिल करना है तो काम तो आप ही को करना पड़ेगा। दूसरा कोई भी आपको मदद के लिए आएगा नहीं। इसलिए कभी भी ध्यान में रखो, कभी भी भगवान के ऊपर मत बैठो, कोई दोस्त के भरोसे मत बैठो। कोई आपको मदद करने आएगा तभी आपका सपना पूरा होगा, आपका टारगेट पूरा होगा, तो ये कभी भी होने वाला नहीं है। इसलिए किसी के भी भरोसे मत बैठो, खुद का काम। जब भी आप मेहनत करेंगे तभी ही आप सक्सेस हो सकते हैं। इसलिए ध्यान में रखो, बिना मेहनत के यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। जो भी फील्ड में हो उस फील्ड में दिलो जान लगा के आपको मेहनत करना पड़ेगा, तभी ही आप मुकाम तक पहुँच सकते हैं, आपके सपने तक पहुँच सकते हैं। तो इस कहानी से मुझे यही बताना था कि मेहनत करो, मेहनत का करोगे तभी ही आपको उसका फल मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाइए। जय हिंद।